जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज है 14 नवंबर और आज मार्केट फ्लैट है, लेकिन कल मार्केट अच्छी खासी गिरी थी। इसके कारण हमको बहुत सारा कल लॉस हुआ है, वो भी हम आगे देखेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि मैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ और मुझे इन्वेस्टमेंट करते हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं। मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मेरी डेली की म्यूचुअल फंड अपडेट शेयर करता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए। चलो तो फिर देखते हैं हमको कल कितना लॉस हुआ था। आप देख पा रहे होंगे मुझे एक दिन में मेरे पोर्टफोलियो ने 2% लॉस दिया है, जो कि 19,803 रुपया है। मैंने इसमें 5,44,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, जो कि अभी 9,26,000 रुपये दिखा रहा है। एक ही दिन में हमारा 19,000 का लॉस हुआ है, फिर भी मुझे अभी तक मेरे पोर्टफोलियो को 70% रिटर्न मिला है, वो भी 3 सालों में, जो कि 3,82,107 रुपया है। मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न टाटा स्मॉल कैप फंड ने दिया है, जो कि 84% है, 1,37,468 रुपया। और कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड ने मुझे 72% रिटर्न दिया है, जो कि 1,11,790 रुपया है। और पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने मुझे 60% रिटर्न दिया है, जो कि 96,800 रुपया। मेरा एसेट टैक्स सेवर ने मुझे 61% रिटर्न दिया, जो कि 33,450 रुपया। ICICI प्रूडेंशियल नास्डेक फंड ने मुझे तकरीबन 20% रिटर्न दिया, जो कि 2,500 रुपया है। अभी बहुत दिनों से हम देख पा रहे होंगे कि मार्केट ऊपर नीचे चल रही थी, लेकिन अभी 2-3 दिनों से मार्केट अच्छी खासी निगेटिव जा रही है। टाटा स्मॉल कैप ने मुझे एक दिन में 3% रिटर्न निगेटिव दिया है, जो कि 9,380 रुपया है। अभी 2 दिन हो गए कल से टाटा स्मॉल कैप ने तकरीबन 5% गिरा है 2 दिन में। और कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड 2% निगेटिव एक दिन में, जो कि 5,680 रुपया निगेटिव रिटर्न दिया है। पर आप पर एक फ्लेक्सी कैप ने मुझे एक दिन में 2,971 रुपया निगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि 0.25% तकरीबन है। मेरा एसेट ने मुझे तकरीबन 2% निगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि 1,745 रुपया है। और ICICI प्रूडेंशियल ने सिर्फ 24 रुपये निगेटिव रिटर्न दिया है। मेरा पोर्टफोलियो अभी 1 महीने से अच्छा खासा गिर रहा है। मुझे अभी तक मेरे पोर्टफोलियो ने टोटल मुझे रिटर्न दिया था मैक्सिमम 85%, तकरीबन मेरा पोर्टफोलियो 15% गिर चुका है। हो सकता है आगे आने वाले समय में और भी गिरेगा। कुछ हमारे सब्सक्राइबर है, वो बोलते हैं कि सर आप म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लीजिए और जब बढ़ेगा तब लगा देना। लेकिन जब बढ़ेगा तब लगा के क्या फ़ायदा, जब मार्केट गिरता है तभी तो पैसे लगाने हैं, तभी तो पैसा बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि मुझे इतना रिटर्न फिर भी है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिरा था तो मैंने अच्छा खासा उसमें लमसम किया था। जैसे इसमें मार्केट और गिरता है, अगर समझ लो इसमें 5 से 10% और करेक्शन होता है, तो मैं इसमें और पैसे लगाऊंगा। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तभी पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे करते हैं कि जब मार्केट बढ़ता रहता है तब पैसे लगाते हैं, और अगर मार्केट गिरना चालू हो गया तो उसमें आप फंस जाओगे, फिर आपका रिटर्न नेगेटिव में चला जाएगा। और मेरा पोर्टफोलियो आप देखो कि इतना मार्केट गिर रहा है फिर भी मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में नहीं है, अभी भी पॉजिटिव में है। और म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू रह सकते हो। जैसे और गिरता है 5-10%, तो और आप लमसम करो, क्योंकि जब मार्केट रिकवर करेगा तब आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और किसी भाई की कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको आंसर दे देंगे। जय हिंद।